इस क्वेश्चंस जो भी हमने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, पहले उसका जो भी क्वेश्चंस का उत्तर जो इन्वेस्टिगेटर पे जानते हैं, आम लोग जानते हैं, उसको हमने नॉर्मल क्वेश्चंस बोलते हैं। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है जो इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर जानते हैं, सो फॉर एग्जांपल श्रद्धा के बारे में जो जानते हैं वो, दैट इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका सर कहाँ छुपा है, या उसको जो काटने के लिए जो इस्तेमाल किया था उसका जो वेपन वो कहाँ छुपाया, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नहीं जानते हैं। सो उस क्वेश्चंस पे जब भी हम उसको पूछते हैं, जो भी उसका मन है, मन का अंदर जो भी है सच्चाई जो छुपाया है, जो हकीकत में नहीं बता सकता है, सो वो इस नार्को एनालिसिस के अंदर वो उगलवाते हैं। तभी वो सच जब वो जो बोलते हैं, उसके बाद में जब सर रिकवर होता है या उसका जो वेपन रिकवरी होता है, तभी नार्को एनालिसिस का अहमियत और उसको कॉरोबरेटिव एविडेंस की जो कोर्ट को हमने बता सकते हैं। आर एल्स नार्को एनालिसिस नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। नार्को एनालिसिस का सिर्फ जो भी मतलब द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रूथ, मतलब जो भी उसका सच जो बताते हैं उसका जो एक्यूरेसी ज़्यादा करने के लिए नार्को एनालिसिस के साथ पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। इस तीनों साइंटिफिक टेक्निक्स के इस्तेमाल करने से वो सच्चाई तो 100% हम जान सकते हैं। दो इट्स अ कॉरोबरेटिव एविडेंस मे नॉट बी कंक्लूजिंग, कोर्ट मे नॉट एक्सेप्ट द कंक्लूजन, क्योंकि ओनली फॉर एग्जांपल इसके स्टेटमेंट से जो भी अपने रिकवरी होता है, मतलब जो भी सच्चाई का जो ऑथेंटिकेशन है और कंफर्मेशन जो बोलते हैं, जब भी वो जाता है देन डेफिनेटली द कोर्ट विल एक्सेप्ट एज अ कॉरोबरेटिव एविडेंस। एंड सबसे ज़्यादा मैंने पहले ही बताया कि नार्को एनालिसिस के साथ पॉलीग्राफ, मतलब दैट ऑल नो द ट्रूथ लाई डिटेक्टर, सो उसके साथ वो ब्रेन मैपिंग बोलते हैं, उसमें P300 वेव्स जो भी वो क्राइम के बारे में जो भी उसको जो दिखाते हैं उसकी, उसके बाद उसके जो ब्रेन का अंदर जो चेंजेस होता है वो रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पर हमको पता चलता है कि यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सो इस तीनों मिला के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इस तीनों टेक्निक का इस्तेमाल करें, तभी डेफिनेटली उसका जो स्टेटमेंट जो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसका नतीजा पता चल जाता है। इस प्रोसीजर में पहले जो पेंटोटॉल सोडियम जो ड्रग ने बताया, वो जब भी इंजेक्ट करने के बाद उसका आर्ट और पल्स का मॉनिटर करते हैं, जब भी उसका पल्स रेट एंड आर्ट रेट कम हो जाता है तब हम पता चलता है कि वो नींद का स्थिति में आ जाता, मतलब निद्रा स्थिति जो बोलते हैं उसमें आ जाता है। सो इस प्रोसीजर में जो निद्रा स्थिति और उसको जब भी जाता है उसको हमने अवेकन करते हैं, उसको अवेकन करते हैं पिंच करने से, नहीं तो गले पे ऐसे मार के उसको जगाते हैं। उस निद्रा स्थिति में जब भी जगाते हैं दैट विल बी अ स्टेट कॉल्ड द स्लीप स्टेट एंड अवेकनिंग स्टेट का बीच का स्टेट। इस बीच का स्टेट जो भी हमने क्वेश्चंस जो प्रिपेयर करके रहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के से साथ मिल के, तभी उस क्वेश्चंस हमने उसको पूछते हैं। सो इस ड्रग का जो भी साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम है, मैक्सिमम उसको मैं सर दर्द आ सकता है तो उल्टिया के, दैट मीन्स नोजिया जैसा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा वो कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन उसका जो दिल का बीमारी है या कुछ लंग का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम, तभी उसका असर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि आफ्ताब का उम्र कम होने की वजह से इसका जो साइड इफेक्ट इसमें चांसेस बहुत ही कम है।